विलगैक्स खत्म हो गया। आज तक मैं ऐसा ही समझ रहा था। वाओ, आप एक हीरो थे। मैं तो बस अपना काम कर रहा था बेन। एक्सक्यूज मी, पर आपका काम आखिर था क्या? हम अपने आप को प्लम्बर्स कहते थे, ये तो बस नाम के लिए था। हम असल में ऐसे प्रॉब्लम्स ठीक करते थे जो कोई और नहीं कर पाता था, जैसे दूसरे ग्रहों से जुड़े या कोई भी अजीब गरीब प्रॉब्लम्स। यानी मैं जो इतने वक्त से हीरो बन रहा हूँ, आपके रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं एक प्लम्बर हूँ जो ट्रेनिंग पर है। और आप उस वॉच के बारे में सब कुछ जानते थे? पूरी तरह से नहीं, बस कुछ अफवाहें सुनी थी। जब वो बेन की कलाई पर आई तब मैं भी तुम लोगों की तरह हैरान था। आप हमेशा कहते हैं कि हम आपको सब बता सकते हैं ग्रैंडपा, पर शायद आप नहीं बताते। ऑलराइट, लगता है प्लम्बर्स के काम पर जाने का वक्त हो गया है। सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग का कचरा साफ करो मिस्टर प्लम्बर। तुम इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम जलती हो ग्वेन। ये कोई फैमिली बिजनेस नहीं है बेटे, मेरे हीरो वाले दिन कब के खत्म हो गए। पर ग्रैंडपा, मेरे वाले तो बस शुरू हो रहे हैं। बेन रुक जाओ, अब आएगा एक्सेलरेट। जॉस, ये तो चीटिंग है। किसी ने यहाँ एक बड़ी सी बोलने वाली मछली देखी है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? शायद आज का दिन मेरे लिए लकी है, एक एलियन के साथ दूसरा फ्री। यहीं बैठो बदसूरत मछली, मैं अभी वापस आता हूं। यहां की रूम सर्विस अच्छी है। काम की मछली हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। बेन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा, उस पागल ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। मैक्स, फिल, आप इस आदमी को जानते हैं ग्रैंडपा? अरे तुम जानने की बात करते हो, हम पार्टनर्स हुआ करते थे। हाँ, ये गाड़ी देखने में खास तो नहीं है, पर तुम्हारी उस जंग लगी आरवी से तो बेहतर है जो तुम चलाया करते थे। तो कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ, खासकर इसलिए कि मैंने अभी एक हैवोक बीस्ट को पकड़ा, पुराने दिनों की तरह। आपने उसे पकड़ा? छोड़िए छोड़िए, वो तो रिप हैवोक बीस्ट। हाँ, मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब सालों पहले हमने उसे डेनवर में पकड़ा था। हाँ, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ था। वैसे भी एक प्लम्बर तो हमेशा प्लम्बर ही होता है। ये काम दोबारा शुरू करने की सोची है मैक्स, मतलब पुराने दिनों को फिर से जीने की? नहीं थैंक्स, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरे अंदर का प्लम्बर भी। हाँ, तुम्हारी वजह से। जब तुमने विलगैक्स को हरा दिया था तब सारा काम जैसे बंद ही हो गया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। हाँ, वैसे हालात फिर से पहले जैसे बनने लगे हैं। सच कहूं तो मैं फ्रीलांस प्लम्बर बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। वाओ, बढ़िया वॉच है, कुछ जानी पहचानी सी। होगी क्यों नहीं, ये वॉच। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। वेल, हमें जाना है। फिल। मैक्स, शुक्र है कि तुम आ गए। दो एलियंस, भयानक। हमें अपना पुराना जादू फिर से जगाना होगा। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारे दोस्त हैं? वाइल्ड मर्ड्स, शायद मैं उनसे बात कर सकता हूँ। बेन,
अभी ये बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, ये तो ओमनीट्रिक्स है। तो क्या कहा तुमने? वेल्प मैंसेस कभी छोटी मोटी बातचीत नहीं करते, अपनी नस्ल वालों के साथ भी। पार्टनर्स किस लिए होते हैं? मुझे छोड़कर कोई वेजिटेरियन डिश खा लो ना। आई एम सॉरी बेन, एक पल्प मैंसर को रोकने का यही तरीका है। हाँ, हमारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे पास एक सोनिक पिच विसल थी। यानी सारी कहानियां सच हैं, ओमनीट्रिक्स सच में मौजूद है, और बेन तुम्हारे मूव्स काफी अच्छे थे। मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के पुराने दिन याद आ गए। इस एलियन को यहाँ से जाना होगा। तुम्हारा मतलब भड़कना होगा? जरा दूसरी तरफ से सोचो, तुम उस मीटियोर की तरफ जा रहे हो। वो ये कितना बड़ा है। Oh gosh. जिंदा भी। मगर बदबूदार। मुझे लगा ये बेन की बदबू है क्योंकि वो 3 दिन से नहीं नहाया। गलत, 4 दिन हो गए। बेन। ओह नो, इस वॉश ने मुझे अचानक एक नया एलियन दे दिया जो सिर्फ इधर उधर लुढ़कता रहता है। बिल्कुल गलत बात। ओह, सही कहा। तुम इस बात की फिक्र मत करो कि कोई बड़ा सा बदमाश आया है जो पृथ्वी का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि ये गलत बात नहीं है। पेड़ बदल रहे हैं। हमें जल्दी से उस पहाड़ पर वापस जाकर उसे तबाह करना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ तबाह करे। जब हम पहाड़ पर से गिरे थे तब तो ये नहीं थे ना? नहीं, तब तो हमें जरूर याद रहता। उस बड़े टिक का जहर पूरे इलाके को म्यूटेट कर रहा है। अपनी गंदी चिपचिपी चीजें मुझसे दूर ले जाओ। मैं डूबने वाली हूँ। बेन, क्या तुम्हें नहीं लगता हीरो बनने
कोशिश जारी है, लेकिन अगर मैं कोई और बेकार सी चीज बन गया तो कम ऑन मुझे हीरो बनाओ, कम ऑन मुझे जल्दी हीरो बनाओ। बेन चलो ऊपर चले। तुम्हें सचमुच डिओड्रेंट की सख्त जरूरत है। ये तो टग ऑफ वॉर खेलने जैसा है। उस स्टिक को ठीक से सबक सिखाना है। ये क्या था? लगता है इस प्लैनेट का एक हिस्सा तबाह होने ही वाला है। ये जितना खाता है उतना बड़ा हो जाता है। तो फिर फोर आर्म्स उसकी डाइटिंग करवाएगा। गया, 9 बाकी हैं। ओके, मैं हार गया, ये तबाह नहीं हो सकता। रिवर्स बीम फ्लो। अब तुम्हारे प्लेनेट के तबाह होने का वक्त आ गया है, और साथ ही तुम तीनों का भी। तुम्हारे पास दूसरा प्लान तैयार तो है ना?